आज की मेरी ऐसी रेसिपी है जो व्रत में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ही फास्ट तरीके से बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं। लौकी को छील के या बिना छिले आप कद्दूकस कर लीजिएगा। करीब 6 इंच का पीस मैंने कद्दूकस किया है। और उबले हुए आलूओं को हम लौकी के साथ ही फोड़ लेते हैं। इसे हमें काटना नहीं है, हाथों से थोड़े मोटे मोटे पीस तोड़ने हैं। और इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, धनिया पाउडर, जो भी मसाले आप व्रत में यूज़ करते हो, सेंधा नमक, और इसमें चाहो तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ कूटू का आटा लिया है। कूटू का आटा ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, या कूटू मंगा के आप घर में मिक्सी में भी पीस के इसे तैयार कर सकते हैं। इसमें 5 से 6 चम्मच ऐड करूँगी आटा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें अभी पानी नहीं मिलाना है, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि लौकी इसमें हमने ऐड की है और नमक डालने से लौकी पानी छोड़ती है, तो इसलिए पानी का यूज़ हमें स्टार्टिंग में नहीं करना है। इसको जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब पानी का छींटा लगा के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जब आपका व्रत हो तभी इसको हैंड टू हैंड तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले से ये तैयार कर दिया और 1 घंटे के बाद आप पकोड़ा बनाओगे तो आपके पकोड़े में बहुत ज़्यादा घी भर जाएगा और ना ही वो कुरकुरा बनेगा। तो इसलिए हैंड टू हैंड इसे तैयार कीजिएगा और हैंड टू हैंड इसे फ्राई करके आपको व्रत खोलना है। तो ये देखिए, बहुत पतला भी नहीं करना है और गाढ़ा भी नहीं करना है। इस तरीके से जब ये मिक्स हो जाए तो हम इस तरीके से मुट्ठी में बंद करते हुए गर्मा गर्म घी में फ्राई कर लेते हैं। इससे ज़्यादा पतला बैटर आपको नहीं रखना है। सारे पकोड़े हम घी में फ्राई कर लेते हैं। जो भी आप खाते हो वनस्पति घी, रिफाइंड, व्रत में आप जो भी चीज़ खाते हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा, बाकी की स्किप कर सकते हैं। बस बनाने का तरीका यही है, इसको बनाने का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी व्रत खोलना हो इसे हैंड टू हैंड तैयार करके ही फ्राई करना है। तो इसे सुनहरा होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेते हैं। आप इनका कलर देखिए, बहुत ही सुनहरा और बहुत ही कुरकुरे आपको ये नज़र आ रहे होंगे। वाकई में ही बहुत ही कुरकुरे बनके तैयार होते हैं। तो इसे धनिये की चटनी के साथ या दही के साथ आप सर्व कर सकते हैं। कूटू की तासीर बहुत गर्म होती है तो इसलिए हम लोग दही का ज़्यादा इस व्रत में यूज़ करते हैं। और वैसे कूटू के आटे में लौकी डाल के भी उसकी तासीर को बैलेंस किया जा सकता है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।